कायनात के बड़े मजामीन में ना पढ़ो, बल्कि छोटी छोटी बातों पर तवज्जो दो। इसको राजी रखो जो हम सफर है, चाहे वो हम ख्याल ना भी हो। नफ्स को उकसाने का अमल आँखों से शुरू होता है, लिहाजा अपनी निगाहें नीची रखो। हमें बहुत ज़्यादा इलम के मुकाबले थोड़े अदब की ज़रूरत है। जिस इंसान में ज़ाती सिफात ना हो, वो अपने लिबास से लेकर अपने मकान तक अपनी हर चीज़ की तारीफ चाहता है। अगर आप आज से शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे तो आज से ही हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। एक दूसरे के हकूक के एहतराम से ही माशरे में कयाम पैदा होता है। लोगों से अलग रहकर सोचोगे तो लोगों से अलग सोच मिल जाएगी। असल बादशाही ये है कि आपके पास सबसे बड़ा इलम हो और आप अपनी ज़िंदगी सबसे कमज़ोर आदमी की तरह गुजारें। ये ना पूछो कि वो हक से क्यों महरूम हुआ, तुम ये देखो कि तुमने हक से ज़्यादा क्यों हासिल किया। तेरा हासिल ही उसकी महरूमी बन गया। बदी की तलाश हो तो अपने अंदर झांको, और नेकी की तमन्ना हो तो दूसरों में तलाश करो। हम हर किस्म के हालात से समझौता कर लेते हैं, लेकिन हम सिर्फ इंसानों से समझौता नहीं करते। अगर तुम रास्ता जानते हो तो गुमराह इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिन लोगों को हमने अपनी मौत का गम देकर जाना है, क्यों ना उनको ज़िंदगी में कोई खुशी दी जाए। इंसान जितनी मेहनत खामी छुपाने में सर्फ करता है, उतनी मेहनत में खामी दूर की जा सकती है। हमें तहम्मुल से दूसरों के नुक्ता नज़र को सुनना चाहिए, उसकी खामी की इसलाह करनी चाहिए और उससे मोहब्बत करनी चाहिए। कोई शख्स बीमार हो जाए तो उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अगर किसी का अकीदा बीमार हो जाए तो उसे ज़्यादा रहम और तवज्जो की ज़रूरत होती है। खाक हो जाए वो मर्तबा जो दूसरों के लिए मुफीद ना हो, लात है उस ताकत पर जो कमज़ोर की हिफाजत नहीं करती बल्कि इसे डराती है। जब आँख के अंदर दिल आ जाए तो दिल में आँख पैदा हो जाती है। बेशौक इबादतों से शौक का एक आंसू बेहतर है, और शौक की एक निगाह ज़िंदगी हज़ार सजदों से बेहतर है। हर इंसान चाहता है कि इसे चाहा जाए, इसे पसंद किया जाए, लेकिन क्यों? इसी क्यों से बिगाड़ पैदा होता है। लोग अपने अलावा किसी को पसंद नहीं करते, और ख़ुद पसंदी की आदत भी खुदगर्जी की आदत है। इंसान खुद को हमेशा के लिए पसंद नहीं कर सकता, इसलिए इंसान दुखी रहता है। हम दोस्त छोड़ देते हैं, बहस नहीं छोड़ते। हम मुबहसा जीतने की तमन्ना में अपना साथी हार बैठते हैं। वो आदमी जो ज़रूरतों के वक्त मोहब्बतों को तर्क कर देता है, वो आदमी कभी वफादारी नहीं पाएगा।